नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कई बार आपने लोगों को यह सब बोलते हुए सुना होगा, लेकिन क्यों हम इस खास पेशकश को इवनिंग एजेंडा में आपके लिए लाए हैं, इस पूरे बुलेटिन के दौरान हम आपको समझाएंगे। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें जो रूबरू करवाती हैं तमाम कोशिशों से जो कि प्रशासनिक स्तर पर की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उन नियमों का पालन करने के लिए सजगता अभी भी नजर नहीं आती है। शुरुआत करते हैं हम सिलसिले की। सबसे पहले मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, इसे लेकर हम आपको पूरी जो तस्वीर है वो समझा देते हैं। इससे नदी नाले उफान पर फिलहाल आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जिलों से लोग जान जोखिम में डालकर पर्यटक स्थलों पर तो जाते हैं, लेकिन वहां पर लागू हुए नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। एक एक कर हर जगह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। सीहोर की सबसे पहले चर्चा मरगढ़ वाटरफॉल, जहां पर मस्ती करने के दौरान एक युवक पानी में डूब गया। खरगोन में भी कुछ इसी तरह से उफनता लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आते हैं। इससे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ये समझना किसी भी व्यक्ति के लिए परे नहीं है। बैतूल में उफनते रपटे को पार करने के दौरान एक किसान बह गया। नर्मदापुरम की अगर बात करें तो यहाँ पर वाटरफॉल बारिश के मौसम में लोगों को लुभाते खूब हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने पर सावधान रहने की बहुत जरूरत होती है। राजधानी भोपाल से भी कुछ इस तरह की जानकारी, केरवा कलियासौत और अन्य डैम के आसपास लोग तालाब में नहाते मछली पकड़ते नजर आते हैं। आम बात हो गई है ये सब, लोगों को इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। गरियाबंद में चिंगरा पगार झरने पर हद हुई, कई सैलानी फंस गए, हजार की संख्या थी। दुर्ग की अगर बात करें तो शिवनाथ नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। ये अलग अलग जगहों से मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। सचेत करती हैं, सजग रहने की जरूरत भी बताती हैं, सावधान रहने की हिदायत भी देती हैं, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग क्षेत्रों से जान जोखिम में डालते हुए लोग नजर आए। अब शेख इमरान की ओर हम रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ चूंकि इमरान प्रकृति के काफी करीब है, लेकिन चूंकि प्रकृति के करीब होने के चलते जोखिम भी दोगुना है। गरियाबंद की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो बीते दिनों बहुत ही चिंताजनक खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी, हजार से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हमने देखे। दुर्ग की भी अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, इसी तरह की खबरें हैं। इमरान जी, अवंतिका जी, गरियाबंद का जो चिंगरा पगार है ये जलप्रपात चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जैसे अगर एक दो घंटे बारिश होती है तो इस जगह पर जाने वाले रास्ते पर एक नाला पड़ता है और वो नाला देखते ही देखते अपने उफान पर आ जाता है। और ठीक ऐसे ही हुआ कल, जो है लगभग हजार भर से भी ज्यादा सैलानी जो है आफत में पड़ गए थे, क्योंकि वो नाला में बाढ़ आ गया था और आनन फानन में वहां प्रशासन की टीम रेस्क्यू जारी किया और जैसे तैसे तमाम लोगों को सुरक्षित तो निकाल लिया, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर यह जलप्रपात है वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इस वजह से अगर कोई मुश्किल में फंस जाए तो वो सहायता भी नहीं मांग सकता। यही वजह है कि आज जो है प्रशासन की टीम, एसडीएम, तहसीलदार और रेंजर उस जगह पर जाकर स्थल निरीक्षण किए हैं कि उस नाला को देखा गया है कि अगर इस तरह की परेशानी आती है तो कैसे रेस्क्यू दल वहां पर पहुंचे और कैसे बचाव वहां पर कार्य शुरू की जाए। तो आज तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, क्योंकि न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ लोग जो फंसे थे आफत में उस खबर को दिखाई थी और आज प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। और कलेक्टर आकाश छिकारा ने यह बताया है कि आने वाले समय तक इस समस्या को देखते हुए इस नाले पर पुल की निर्माण की जाए ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई आफत में न पड़े। और देखिए, चिंगरा पगार को अगर समझना होगा तो ये जो जलप्रपात है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अचानक जो है बारिश होने के बाद पानी का जल का स्तर बढ़ जाता है और लोग आफत में पड़ जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना के बाद जो है वहां प्रशासन जो है बैरिकेड लगा दिया है मुख्य मार्ग पर और तमाम लोगों को पैदल जाने के लिए कहा जा रहा है और उस नाले पर सतत निगरानी जमा कर रखे हुए हैं कि पानी का स्तर कितना है। फोर व्हीलर टू व्हीलर को वहीं रोका जा रहा है, तमाम सैलानी है उन्हें यह बताया जा रहा है कि इस नाले को पार करते वक्त ये ध्यान दे कि बारिश होती है तो तत्काल आप वाटरफॉल से निकल जाएं और नाले को ज्यादा पानी होने की वजह से आप क्रॉस ना करें, किसी भी परेशानी होने पर वहां जो बल तैनात है उन्हें सूचित करें। और अभी चिंता की बात यह है कि अभी लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए प्रशासन ने वहां समय निर्धारित कर दिया है, जो लोग सुबह से वहां पहुंच रहे हैं उन्हें 5 बजे तक वापस लौटने को कहा जा रहा है। अगर तेज बारिश होती है तो तत्काल वहां पर बल जा रहे हैं और तमाम लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। फोर व्हीलर जो वहां पर नेशनल
हाईवे 130 सी है, वहाँ जाम की स्थिति लग जाती थी, तो वहाँ तमाम जो गाड़ियां हैं उसे अब वहाँ से हटाया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में चुनौतियों में प्रशासन बचाव कार्य देखिए। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं। आप बने रहेगा इमरान अमर सर। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से भोपाल से भी हमने वास्तव की यही रिपोर्ट देखी थी कि गार्ड्स तय होनी चाहिए, हालांकि जरूरी ये भी होता है कि लगातार अभियान चलते रहें और इसको और बड़े व्यापक पैमाने पर चलाया जाए, और इसके लिए सभी लोग मिलकर काम भी करते हैं। उम्मीद है कि इन तमाम दृश्यों को देखकर, इन परिस्थितियों को देखकर, इन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स को देखकर लोग जागरूक होंगे, समझेंगे, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात को। इमरान, एक बार फिर से आपको रुख करना चाहूंगी, जल्दी से ये और बता दीजिए कि आने वाले समय में ये खतरा टला नहीं, क्योंकि अभी भी मौसम वहां वैसा ही है, बारिश लगातार हो रही है। जो है लगातार यहाँ हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, और इस वजह से जो खतरा है वो टला नहीं है, क्योंकि पर्यटकों का जो सैलाब है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और अभी भी हमने देखा कि वहाँ जो है 1000 से भी ज्यादा पर्यटक आज गए हुए थे, प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही है। अगर यही हालात रहा और पर्यटक बिना सावधानी बरते वहाँ अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आफत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जल स्तर जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, लोग कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो बहुत ज्यादा जरूरत है। इमरान, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि लोगों को अपने स्तर पर सावधानी बरतने की, न्यूज 18 की भी यही अपील है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 18 लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है, और इवनिंग एजेंडा के साथ, इस मुद्दे के साथ इसलिए ही आया जिससे आप सजग हो सके, सावधान हो सके। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय